voicemail, 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 voicemail. जी सनी जी, क्या कहा जाए? देखिए, जिस तरीके से बढ़ती गर्मी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बाहर राज्य में तमाम गर्मी बढ़ती जा रही है और लोग काफी परेशान है इस गर्मी से, और जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा जो शुरू हो चुकी है, और यात्री जो है जहां पे आज हम खड़े हैं रघुनाथ मंदिर के पास, यहां पे यात्रियों का बहुत आना जाना रहता है, और यात्री यहां पे जब आते हैं तो गर्मी से काफी जो है वो जूझ रहे हैं। लेकिन यहां पे एक ऐसा पॉइंट है जो पानी, जैसे देख सकते हैं आप, शुद्ध जल की जो जल ही जीवन है, उसके चलते काफी लंबे समय से आज बंद है, और अंदर एक डस्टबिन की तरह हालात है कि यहाँ पे अगर पानी की सुविधा नहीं तो डस्टबिन क्यों बनाया गया। ये जम्मू म्युनिसिपल कमीशन के अंदर आता है, और हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप बड़ा अच्छा कार्य जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, तो ये हालात भी देखिए। यहाँ पे लोकल दुकानदार भी परेशान है, लोकल यहाँ पे यात्रु भी परेशान है, और आम पब्लिक भी परेशान है कि इस गर्मी के अंदर, इस गर्मी के बढ़ते हुए जिनको पानी, ठंडे पानी की शिविरें लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे दुकानदार या यात्री जो परेशान है उसका हल क्यों नहीं किया जाता। हर जगह यहाँ से ऊपर तो देखिए, कोई यहाँ पे पानी की जो अपना ये शौचालय का, सॉरी पानी का जो अपना जो शिविर है वो लगाई जाती है, या आगे कोई नलका नहीं है, नीचे भी कोई नहीं है, एक प्राइवेट जो है किसने अपने लिए लगाया है, लोगों के लिए लगाया है, लेकिन गवर्नमेंट का जो एक अधिकार बनता है वो वहां पे अभी तक जो है मुहैया नहीं करवाया गया। हम राहुल यादव जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि अगर यात्रु वहां से आ रहे हैं, हमारा गलत इंपैक्ट जाता है कि इतना बड़ा बाजार जो रघुनाथ बाजार है, रघुनाथ टेम्पल है, उस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उनका जो फ्रीजर बना हुआ है ये बंद है, ये डस्टबिन है, ये हमारे जम्मू कश्मीर की जो स्मार्ट सिटी की जो बात की जाती है उसमें ये गलत जो मैसेज है बाहर जाता है, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसको ठीक करने का प्रयास करिए, नहीं तो हम और भी जगह जो है धरने प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे।